वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो 79.25 आज क्लोजिंग दे चुका है सेल स्टॉक, यानी कि देख सकते कि 1.75 पैसे की गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर, तकरीबन 2% से ज़्यादा गिरावट सेल स्टॉक के अंदर देखने को मिले। ओपन तो देख सकते आज फ्लैट हो चुका था, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ 80 लेवल के ऊपर, पर सुबह में ओपन होते प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया, उसी में देख सकते कि 80 लेवल को ब्रेक किया। तो 80 लेवल को ब्रेक करने के बाद पूरे दिन अंदर 80 लेवल के साथ ट्रेडिंग किया और डे एंडिंग में हल्के से गिरावट देखने को मिली थी। तो देख सकते कि मार्केट कैप जो 32,000 करोड़ का है, 33,000 के नीचे आ चुका है मार्केट कैप। पी रेशो बढ़िया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और डिविडेंड यील्ड है 11.05% का। तो पिछले 5 दिनों के ऊपर नज़र डाली जाए तो पिछले 5 दिनों में 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि स्टॉक के सेल स्टॉक के वॉल्यूम भी जनरेट हो चुका है आज के दिन के, उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो 2,34,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है सेल स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 18,785,00,000 का ही है आज के दिन का। तो बाकी के डिटेल सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो 2 करोड़ में से तकरीबन 89,00,000 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी के लिए जा चुकी है। टोटल 44% क्वांटिटीज जो है ट्रेडिंग में से आज डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, यानी कि होल्डिंग के लिए। चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे जैसे कि आप देख सकते हो तो देख सकते मंथली प्यूट 80 लेवल पे जो हमने कल बात की थी, कल सपोर्ट लिया था 80 लेवल पे, पर आज उसी 80 लेवल को देख सकते कि सुबह में ओपन होते ही ब्रेकआउट दिया है, तो उसी ब्रेकआउट के बाद गिरावट हो चुकी है। तो नीचे देखा जाए तो 77 लेवल है वो यहाँ पे सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि उस लेवल पे पहले भी सपोर्ट लिया गया था और रिजिस्टेंस भी लिए गए थे, तो उस लेवल तक आ सकता है। और फिर से ऊपर जाता है तो मंथली प्यूट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।